हेलो दोस्तों, मैं हूं परवेश खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परवेश टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में 59 चाइनीज ऐप के साथ साथ टिकटॉक को भी बैन पूरी तरह किया गया था, लेकिन अब टिकटॉक ने भारत में अपनी जगह थोड़ी थोड़ी बना रहा है और वो प्ले स्टोर में शो कर रहा है। तो मैं आज उसी के बारे में बात करूँगा कि ये हमारे लिए सेफ है या नहीं है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, ये हम जहाँ तक मुझे पता है ये सेफ नहीं है। मेरा मानना है कि ये जो टिकटॉक है प्ले स्टोर में अपनी जगह तो बना लिया है उसने, लेकिन ये हमें डायरेक्ट सर्च करने पे शो नहीं करेगा, ये ऑप्शन दिखाएगा। अगर आप किसी और ऐप को सर्च करेंगे तो ये हमें रिकमेंडेड फॉर यू दिखाएगा। जैसे कि मैं आज आपको लाइव प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि टिकटॉक शो कर रहा है, लेकिन मैं आपको शो दिखाने से पहले आपको ये बता दूँ कि ये हमारे सेफ्टी फीचर के खिलाफ है, ये सेफ भी नहीं है और ये डाटा लीक हो सकते हैं इसमें। और जैसा आप लोग अगर सोच रहे हैं कि डाटा लीक नहीं होगा, मेरे पास कोई डाटा नहीं है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों। तो चलिए, बिना किसी देरी के मैं आपको शो करके दिखाता हूँ, मैं आपको प्ले स्टोर में लाइव दिखाऊँगा कि यहाँ पर टिकटॉक शो कैसे कर रहा है। तो चलिए, मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि टिकटॉक फिर से वापस कैसे आ गया है प्ले स्टोर में। तो यहाँ पे हम पहले ऐसे स्क्रॉल करके देखेंगे, आपको दिखाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो परवेश टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट सर्च करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट सर्च करने पे नहीं आएगा, इसलिए हम किसी और ऐप का सहारा लेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे इंडेक्स सर्च करूँगा। इंडेक्स सर्च करने के बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और फिर वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि टिकटॉक प्ले स्टोर में कैसे शो कर रहा है, और ये डायरेक्ट सर्च करने पे ये आपको शो नहीं करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे इंस्टॉल भी कर लिया है। अब हम यहाँ पे लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे ओपन करके। यहाँ पे हम ओपन करेंगे, लेकिन ओपन करने के बाद ये चलेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ भारत सरकार ने इसे पूरी तरह से बैन कर दिया है, लेकिन इसने फिर से अपनी जगह बना ली है दोस्तों प्ले स्टोर पे। तो आप दोस्तों सतर्क रहिएगा, आप इसे इंस्टॉल मत करिए, मेरा यही आपको सजेशन रहेगा आपके लिए। अगर आप इंस्टॉल करेंगे भी तो ये आपको नुकसान ही पहुंचाएगा दोस्तों। तो चलिए, हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इसे इंस्टॉल करने का दोस्तों, ये नहीं चलेगा जब तक हमारी इंडिया गवर्नमेंट इसे अलाउ नहीं करती, और मुझे नहीं लगता इसे अलाउ करेगी, क्योंकि ये चाइनीज़ ऐप है दोस्तों। मेरा सजेशन है कि आप इंडियन ऐप को इस्तेमाल करें और इंडियन ऐप ही यूज़ करें और उस पर अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएँ। आपने पूरा लाइव देख लिया है कि टिकटॉक प्ले स्टोर पे आ तो गया है, उसे मैंने डाउनलोड भी करके दिखा दिया है और चला के भी आपको दिखाया, लेकिन वो चला नहीं, क्योंकि वो अभी भारत सरकार ने उसे पूरी तरह बैन किया है, सिर्फ उसने प्ले स्टोर पे जगह बनाई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली पूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।